में इसलिए लगाया है कि हमें थोड़ा जल्दी है तो हम कुकर में भी इसको बना सकते हैं। ये देखिए, इसमें हरी मिर्ची और लाल मिर्ची दोनों मैंने डाला है। अब आप लोग इसी तरह से बनाइए मशरूम मटर, तो आपको जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छी तरीके से। ये देखिए, धनिया की पत्ती से हम गार्निश कर देते हैं और इसके साथ में हम थोड़ा सा बटर भी डाल देते हैं। ये बटर मैंने डाला है साथ में सर्व करते समय, ये अलग इसका फ्लेवर आता है। नमस्कार, बिजी इलाहाबादी में हम आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। आइए, जाड़े का समय चल रहा है तो हम मटर मशरूम की सब्जी बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस है इसका हम पूरा आपको बताते हैं। ये देखिए, हमारा 200 ग्राम लगभग ये मशरूम है। बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको कैसे साफ करना है, और ये मैंने एक कटोरी इसमें हरी मटर लिया है छीलकर ताजी, और इसमें हम चार प्याज और दो तीन हरी मिर्च और जीरा, एक पिंच हींग, स्वाद अनुसार नमक और दही। ग्रेवी में दही डालकर आप बनाएंगे तो मशरूम मटर का बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसको एक चम्मच डालेंगे। कैसे क्या करने हैं, और ये तीन से चार टमाटर हैं इसको हम तैयार करते हैं काट कर बारीक, और ये प्याज है इसको काटते हैं, और थोड़ी सी धनिया की पत्ती है जो धुलकर मैंने रखा है, इसको ऊपर से हम गार्निश करेंगे। तो चलिए, अब हम प्रोसेस तैयार करने के लिए, सबसे पहले मैं इसको धुल लेती हूँ, और धुलने के बाद देखिए ये क्या इसकी सफाई करते हैं। तो इसको आटे के साथ में, जैसे कुछ हमें लग रहा है ये फ्लेवर जो ऊपर से है ना काले काले से दिख रहे हैं, इसमें हमें हल्का सा इसमें आटा डाल दूंगी। पहले इसको धुल लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। हाँ देखिए, ये मैंने 2 मिनट तक इसको रखा था, और ये कितनी अच्छी तरीके से, ये देखिए आटा, ये मशरूम हमारा जो मैंने धुलकर सीधे पानी से इसमें आटा डाल दिया, गेहूं का आटा है, और ये बहुत अच्छी तरीके से साफ हो जा रहा है। तो इसको मैं अभी नॉर्मल पानी से धुल लूँगी, अगर आपके पास गर्म पानी भी है तो उससे भी आप धुल सकते हैं। और देखिए, बहुत अच्छी तरीके से गेहूँ के आटे से ये हमने डाला था 2 मिनट के लिए, और धुल कर रखा था इसलिए इसमें अच्छी तरीके से आटे सब लग चुके हैं और कालापन इसका सारा बिल्कुल हट जाता है। तो इसलिए गेहूं के आटे से साफ करिए इसको, बहुत अच्छी तरीके से ये साफ होता है। ये देखिए, अब मैं सबको धुल कर ले आती हूँ। ये देखिए, एक परत बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ हो जाएगी। ये इसको हम फिर काट कर दिखाते हैं इसका आगे का क्या प्रोसेस है। ये देखिए, मैंने सबको ये गेहूं के आटे में रखा था, बिल्कुल वाइट हो गया है। जो बड़े पीस हैं उसमें मैं 4 पीस करूंगी, जो मीडियम साइज के हैं इसमें 2 पीस करेंगे, और आगे का क्या प्रोसेस है हम आपको चलिए दिखाते हैं। और मैंने ये रफली चाप कर लिया है, 4 ओनियन था, और इसमें देखिए टमाटर मैंने 2 से 3 चाप कर लिया है बिल्कुल बारीक सा, और ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है, थोड़ी सी दही है। चलिए, अब हम इसको धुल कर पानी से छान कर ले आते हैं। देखिए, मैंने सबको धुल लिया है अच्छी तरीके से। हाँ देखिए, मैंने सबको धुल लिया है अच्छी तरीके से, साफ भी हो गया है। और इसको कैसे कट करते हैं चलिए हम आप बताते हैं। जो इसका डंडी डंठल होता है इसको तो ज़रूर से, और ये देखिए साफ हो गया है। ये साइज छोटे हैं तो इसमें हम 2 टुकड़े करेंगे, और इसका नीचे का पीस थोड़ा सा हम निकालेंगे, इसमें रेसे होते हैं तो इसको आप बिल्कुल डालिएगा नहीं, बिल्कुल अच्छी तरीके से ये रेसे निकल जाते हैं। और इसके हम 2 टुकड़े करके बिल्कुल बराबर से ये रखते हैं। देखिए बहुत बढ़िया बनता है इस तरह से सब्जियां जब बनाएंगी आप। अब ये 2 बड़े पीस हैं तो थोड़ा सा इसमें हमको 4 पीस करना है। ये देखिए इतना हम कट कर लेते हैं, ये रेसे वाले हमारे निकल जाते हैं, इसमें हम 4 पीस करेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से पीसेस जब हो जाएंगे बहुत बढ़िया, और सबको हम इसी तरह काट कर फिर तैयार कर लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस हम आपको दिखाते हैं। 4 पीस कर लिया है, सबको इसी तरह काटना है। ये देखिए, 2 पीस कर लीजिए, जो मीडियम साइज है, जो बहुत बड़ा है उसको हम 4 पीस करेंगे। ये देखिए,
बहुत अच्छा सही है, मशरूम प्रोटीन से भरा होता है बहुत ज़्यादा इसमें, तो इसलिए आप लोग जाड़े में तो खास तौर से खाया करिए। ये देखिए कट गए। चलिए आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। हाँ देखिए, मैंने गैस को ऑन किया है और कढ़ाई को रखा है, नॉनस्टिक की पैन है। पहले बर्तन गर्म होगा, फिर हम तेल डालेंगे और तेल को खूब गर्म हो जाए फिर मीडियम आंच पे हम जीरा डालेंगे और हींग डालेंगे। तो आगे का हमारा प्रोसेस शुरू हो गया है। देखिए हमारा पैन बिल्कुल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है, कहीं से भी बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं है। और इसमें हम एक कलछुल तेल डालेंगे। ये देखिए हम सब्जी में बताए हैं, ये देखिए, ये मैं एक कलछुल इसमें सरसों का तेल में ही इसको बनाइएगा, जब भी बनाइए सरसों के तेल में। अब ये अच्छी तरीके से जब गर्म हो जाए तो हमें क्या करना है, इसका हम आपको सब कुछ प्रोसेस दिखाते हुए काम करेंगे। देखिए हल्की सी आँच आने लगी है, यानी हमारा मशरूम, अरे मशरूम मटर जो बना रहे हैं उसके लिए हम ये ग्रेवी तैयार कर रहे हैं। देखिए जीरा हम डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जीरा 1 टेबल स्पून है छोटे वाले से। ये देखिए ये हम जीरा डाल दिए। उसके बाद हम डालेंगे 1 पिंच हींग, जो बहुत ही ज़रूरी है। देखिए गरम होने लगा है, अब हम इसमें डालेंगे प्याज। बहुत तेज आंच भी नहीं होनी चाहिए, तो हम इसमें अपना डालेंगे, ये जो मैंने चॉप किया है। ये देखिए इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। 4 प्याज का इसमें हमने चाप से चापर की चापर कर दिया है, या आपको बारीक काटना हो तो काट लीजिए। और इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छी खुशबूदार आएगी। इसी के साथ में हम डालेंगे, ये देखिए, 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट है, ये सिर्फ हमने क्रश करके रखा है। फिर हम इसको चला देते हैं। वाह, भीनी भीनी सी खुशबू आने लगती है। और प्याज को जब तक हम बिल्कुल गोल्डन होने तक ही हम इसको फ्राई करते रहेंगे, क्योंकि इसकी खुशबू देख के आने लगती है। और हींग साथ में जरूर से डालिएगा, क्योंकि मटर और मशरूम की जो सब्जी बनती है इसका ग्रेवी हमें कुछ खास तैयारी करनी पड़ती है। अब हम साथ में डालेंगे जब ये अच्छी तरीके से पक जाएगा तो हम डालेंगे। अब ये चॉप किया हुआ है, अभी हमारा देखिए अभी ग्रेवी का जो प्याज है ये हल्का सा बिल्कुल अभी गोल्डन नहीं हुआ है, इसीलिए ये बारीक सा काटते हैं, पेस्ट नहीं बनाते हैं। तो हमने चाप कर लिया है, आपको अगर काटना है बारीक काटना है तो आप काट सकते हैं। और इसमें आप नमक डाल दीजिए तो ये जल्दी से हमारा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। ये स्वादानुसार मैंने इसमें नमक डाला है, रेगुलर नमक जो खाते हैं। अब देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से ये गोल्डन होने लगेगा, क्योंकि मैंने नमक डाल दिया है। ये भुज रहा है, थोड़ा सा बारीक बिल्कुल है, इसलिए अच्छी तरीके से इसको हमको गोल्डन ब्राउन करने तक ही भुजना है, बहुत ज़्यादा इसे लाल नहीं करना है। अब चलिए हम डालते हैं इसमें टमाटर जो चाट किया हुआ है, और हल्का सा ये गोल्डन ब्राउन भी हो गया है। देखिए इसमें हम टमाटर डालेंगे, एक बार चला के आपको दिखा देते हैं कि नमक डालने से थोड़ा जल्दी से ये गोल्डन ब्राउन हो जाता है, इसको बहुत लाल भी नहीं करना है। ये देखिए
अब ये टमाटर मेरा बारीक काट सकते हैं तो काट लीजिए, और नहीं तो इसको भी चाप पर से चाप कर लीजिए। ये 2 से 3 मैंने मीडियम साइज के टमाटर और 3 से 4 मीडियम साइज के प्याज लिए थे। अब साथ में हम इसको इसको भी भून देंगे। और इसके साथ ही हम डालेंगे अपनी कश्मीरी लाल मिर्च। और सबसे पहले हमें डालनी है ये 2 सूखी लाल मिर्च डालनी है। इसका फ्लेवर जब आप सब्जी खाइएगा फिर देखिएगा। और ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल रहे हैं। अब इसमें हम डालने रहे हैं हल्दी पाउडर, ये भी स्वादानुसार ही पड़ेगा। ये देखिए, ये भी स्वादानुसार ही पड़ेगा। वाह, बहुत अच्छी भीनी भीनी सी खुशबू आने लगी है। अब आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी तरीके से हमारी खुशबूदार मसाला जो कि ग्रेवी है तैयार हो रहा है। नमक भी पूरा ये डाल दें। अब इसमें आपके पास अगर किचन किंग मसाला है तो डालिए, नहीं तो हम तो राजेश मसाला ही डालकर बनाते हैं, तो आप लोग भी 2 पुड़िया इसमें डाल दीजिए। ये सब्जी मसाला है तो आपको अगर धनिया गरम मसाला डालना है तो इसको भी डाल सकते हैं। मैंने तो अभी इसमें 2 पाउच का मैंने मसाला डाला है। अब साथ में हम डालेंगे दही जो हमारी ग्रेवी को बहुत ही अच्छी सी टेस्ट देगा। ये देखिए दही, इस ग्रेवी को जब आप बनाएंगे इसका फ्लेवर देखते बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। और तेल भी देखिए छोड़ने लगा है। आंच को कम करके हम आपको दिखाते हैं कि जब हमारा मसाला भुजने लगता है तो चारों तरफ तेल देख लें, ये अपने आप रिलीज हो गया है। अब इसी ग्रेवी को हम भूजते भूजते इसमें हम डालेंगे हरा मटर ताजा। ये देखिए मैंने धुल कर रखा है, बिल्कुल भी पानी नहीं है, पानी को छान लिया है। एक कटोरी मैंने हरी मटर डाला है बिल्कुल ताजी छिलकर। और इसी ग्रेवी में इसको हम इसको भूजते रहेंगे 1 मिनट तक। और साथ में हम डालेंगे इसके ये 2 से 3 हरी मिर्च। सीजर से काटिए जिससे कि आपको तीखा ना महसूस हो, हाथ में अक्सर लग जाता है। ये एक हम ऊपर से गार्निश करेंगे धनिया के पत्ती के साथ में हरी मिर्च को। अब मैं देखिए तेज कर रही हूँ अपने फ्लेम कढ़ाई की आंच को और इसको भूजती रहूँगी। अब इसका मैं ढक्कन लीड लगाती हूँ। ये 1 मिनट तक हम इसके लीड दूसरा आ गया, चेंज कर दिया था क्या। ये दूसरा आ गया, बंद करिए। हाँ देखिए अब मैं लेप लगा रही हूँ और धीरे धीरे इसको आँच को सिम कर दीजिए अच्छी तरीके से। हमारे ग्रेवी के साथ में ताजी हरी मटर को हमने जो डाला है इसको 1 मिनट तक हम ढक कर लेप लगा कर पकाएंगे। हाँ देखिए 1 मिनट में हमारी धीमी आँच में बिल्कुल अच्छी तरीके से
ये हमारी ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो चली है। अब हम डालेंगे अपना प्रोटीन युक्त मशरूम। ये देखिए, बहुत अच्छा है मशरूम, जो कि मैंने धुल कर रखा है। अब इसमें हम जो चलाएंगे तो सारा ग्रेवी हमारा अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेगा। और ये लाल मिर्च जब खाएंगे, ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से भुन जाता है, तो लाल मिर्च का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए मैंने 2 खड़ी लाल मिर्च डाली है। अब इसको भी डालकर मैं 1 मिनट तक और भूजूंगी। हाँ देखिए, ये 1 से 1.5-2 मिनट तक हमारा अच्छी तरीके से मशरूम डालने के बाद ग्रेवी में हमने इसको भूज लिया है अच्छी तरीके से। अब इसको हम डालेंगे कुकर में और कुकर में 1 सीटी लगाएंगे। बहुत जल्दी ये हमारी सब्जी तैयार हो जाती है। ये हमने भूजने के लिए कढ़ाई में लिया था, तो आप कढ़ाई में बनाना हो तो कढ़ाई में बनाइए, थोड़ा सा वक्त लगता है। मैं जल्दी में हूँ इसलिए इसको कुकर में ट्रांसफ़र करती हूँ। हाँ ये देखिए, मैंने कुकर में धीरे धीरे सबको ट्रांसफर कर लेंगे। और इसमें कितना पानी पड़ना है वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए, अब इसमें हमको सिर्फ 1 कटोरा पानी, वो भी गरम है, तो इसको हम जब भी बनाते हैं तो गरम पानी का ही यूज़ करते हैं। तो आप लोग भी अगर गरम पानी है तो उसको गरम कर लीजिए, तो इसका जो मसाला हमारा तैयार है बहुत ही अच्छी तरीके से फ्लेवर इसका आएगा। चलिए, अब हमने इसमें ट्रांसफ़र किया है, तो इसमें हम सब मिलाकर अच्छी तरीके से 1 सीटी तक हम वेट करते हैं। बस जल्दी बनाना है इसलिए मैं इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। मैंने सीटी लगाने के लिए मैं कुकर का सीटी गैस को ऑन करती हूँ। और देखिए, सब्जी बेहतरीन बनकर हमारा रेडी हो चुका है। अब इसमें हम तुरंत सीटी लगाते हैं, 1 सीटी बस, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। हाँ देखिए, हमारी 1 सीटी आ गई है। इसका हम प्रेशर निकाल रहे हैं। मशरूम मटर हमारा बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। अब इसमें फ्लेवर के लिए हम कसूरी मेथी डालेंगे, जो ये बिल्कुल राजस्थानी पैकेट में आता है, तो मैंने इसको ले रखा है। तो मैं इसमें अभी फ्लेवर के लिए डालूंगी। और साथ में सर्व करते समय हरी धनिया का पत्ती और थोड़ा सा बटर मैं ऊपर से डालूंगी। बटर आप पहले भी डाल सकते हैं और धनिया की पत्ती मैं ऊपर से डाल रही हूँ। ये आपके ऊपर है कैसा आपको करना है। वाह, अब देखिए कसूरी मेथी का फ्लेवर जो आता है बहुत ही अच्छी तरीके से हम इसको ये देखिए, ये मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से डस्ट बनाकर इसको डालूंगी। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और इसमें थोड़ा सा हम बटर भी डाल देती हूँ। ये देखिए, ये पहले भी मैं बटर डालती हूँ, अब इसको चलाकर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से बनकर रेडी हो चुका है। अब इसको हम सर्व करते हैं। हाँ देखिए, थोड़ी सी धनिया की पत्ती भी मैंने डाल दिया है, कसूरी मेथी तो डाला ही था, बटर भी डाला है। अब इसको हम सर्व करने के लिए अपने बाउल में मशरूम मटर देखिए हम सर्व कर रहे हैं।
बहुत ही अच्छी तरीके से इसका फ्लेवर आया है। और आप इसको खुद देखिए कि हमने जो बनाया है, कुकर में इसलिए लगाया है कि हमें थोड़ा जल्दी है तो हम कुकर में भी इसको बना सकते हैं। ये देखिए, इसमें हरी मिर्ची और लाल मिर्ची दोनों मैंने डाला है। अब आप लोग इसी तरह से बनाइए मशरूम मटर, तो आपको जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छी तरीके से। ये देखिए, धनिया की पत्ती से हम गार्निश कर देते हैं और इसके साथ में हम थोड़ा सा बटर भी डाल देते हैं। ये बटर मैंने डाला है साथ में सर्व करते समय, ये अलग इसका फ्लेवर आता है। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो बिल्कुल लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने आपस में ही बैठकर, मिल बैठकर बनाइए और शेयर करिए। थैंक यू।